आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं Redmi 7 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स मुझसे ये पर्सनली सवाल पूछ रहे थे, क्या हमारे Redmi 7 सीरीज के स्मार्टफोन में MIUI 11 का कोई लास्ट अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं, और साथ में Android 10 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, MIUI 12 के साथ देखने को मिलेगा या फिर MIUI 11 के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को ये सारे फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि Xiaomi की तरफ से Redmi 7 और Redmi 7A इन दोनों डिवाइस को MIUI 11 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। पर अब बात करते हैं कि Redmi Note 7 और Note 7S और Note 7 Pro इन तीनों डिवाइस के लिए। तो तीनों डिवाइस में से Redmi Note 7 Pro इस डिवाइस को भी चाइना में MIUI 11 के साथ Android 10 का अपडेट देखने को मिला है, पर हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाइना में कोई भी अपडेट रोल आउट होता है तो हमारे इंडिया में कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आप सभी को Android 10 का जो अपडेट हुआ बहुत दिन पहले ही देखने को मिला, आज से करीबन 10-12 दिन पहले ही। तो उम्मीद है कि इस जून मंथ के दौरान ही आप सभी के डिवाइस में Redmi Note 7, Note 7S और Note 7 Pro इन तीनों डिवाइस को इस जून मंथ के दौरान ही MIUI 11 का लास्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि Xiaomi ऐसा कर दे, डेट को आगे ना बढ़ाए, Xiaomi से हम यही उम्मीद रखते हैं, पर देखते हैं अब आने वाला समय में क्या होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि MIUI 12 Xiaomi के जिस डिवाइस में मिलने वाला है उन सभी डिवाइस को Xiaomi की तरफ से एक लास्ट अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगा। जहाँ दोस्तों आप सभी ने सही सुना, क्योंकि उन सभी के लिए MIUI 11 का लास्ट अपडेट होने वाला है। अब बात करते हैं कि Android 10 का जो अपडेट है, उससे पहले आप सभी को MIUI 12 के बारे में बता देना चाहते हैं कि आप सभी को MIUI 12 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को MIUI 12 का जो अपडेट है वो आप सभी को कम से कम 2 से 2.5 महीना और टाइम लगेगा अभी MIUI 12 का Redmi 7 सीरीज डिवाइस में अपडेट मिलने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपसे पता है अभी तक इंडिया में ही अच्छे से रोल आउट नहीं हुआ है, तो आप सभी को अभी कहाँ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप सभी को अगस्त से सितंबर मंथ के दौरान आप सभी को ये अपडेट सारे डिवाइस को देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि Android 10 के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को पता है Android 10 का जो अपडेट है वो आप सभी को MIUI 12 के साथ ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है, MIUI 12 के साथ ही Android 10 का जो टेस्टिंग है वो Redmi 7 सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि चाइना में जो Android 10 का जो अपडेट है उसका जो टेस्टिंग सीजन है वो आप सभी को MIUI 12 के साथ ही टेस्टिंग किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना, आप सभी को अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को हमने इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताना था MIUI 11 के ऊपर कि आप सभी को अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, साथ में MIUI 12 के बारे में भी आप सभी को बता दिया, और आप सभी को Android 10 के बारे में भी जानकारी मिली गया कि आप सभी को Android 10 का अपडेट कौन सा वर्जन के साथ देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप सभी को इस जून मंथ के दौरान MIUI 11 के साथ भी देखने को मिल जाए, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि Redmi Note 7 Pro को देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर आप सभी को इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।